विचार जल की तरह है, आप उसमें गंदगी मिला दीजिए तो वो नाला बन जाएगा, और अगर सुगंध मिला दो तो वो गंगा जल जैसा बन जाएगा। दुआओं का कोई रंग नहीं होता है, पर जब वे कबूल होती है तो पूरी जिंदगी खुशियों के रंगों से भर जाती है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और 20 अक्टूबर यानी कि आज का राशिफल के इस एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज 20 अक्टूबर 2020 को मंगलवार है। आज के विशेष उपाय में नवरात्रि में क्या खरीदें अपनी कामना पूर्ति के लिए, इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा। संवत 2077 का द्वितीय आश्विन शुक्ल पक्ष चल रहा है। आज तिथि चतुर्थी है, दोपहर 11:18 तक, उसके बाद में पंचमी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र ज्येष्ठा है और आज चंद्रमा वृश्चिक राशि के ही रहेंगे। आइए अब बात करते हैं राहु काल की। आज दोपहर 3 बजे से लगा करके 4:30 बजे तक राहु काल रहेगा और राहु काल में प्राय कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है। आइए अब बात करें शुभ चौघड़े मुहूर्त की। आज प्रातः 11:13 से दोपहर में 2:13 तक शुभ चौघड़े मुहूर्त रहेगा। इस समय का फायदा आप उठा सकते हैं कोई भी शुभ कार्य करने के लिए। आइए अब बात करें यात्रा मुहूर्त की। आज पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा में यात्रा करना सुखद रहेगा। वहीं उत्तर दिशा और वायव्य दिशा नॉर्थ वेस्ट में दिशा सूल रहेगा। ऐसी स्थिति में इस दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए या टालना चाहिए, लेकिन अपरिहार्य स्थितियां हैं, यात्रा करना जरूरी है तो गुड़ खा करके यात्रा आरंभ कर सकते हैं, ये दिशा सूल का परिहार हुआ। आइए अब बात करें शुभ ग्रह योगों की। आज सूर्योदयकालीन कुंडली में आश्रय योग, संख्या योग, दुर्धरा योग, सम योग, काहल योग, नीच भंग राजयोग, अमर योग और राजयोग का साथ मिलेगा। हर किसी की कुंडली में शुभ योग या अशुभ योग होते ही हैं। यदि किसी व्यक्ति को ध्यान पड़ जाए कि उसकी कुंडली में राजयोग ज़्यादा है तो उस ढंग से अलर्ट हो सकता है, उस ढंग से एफर्ट कर सकता है, या उसके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आए, उसके सामने कोई अवसर आए तो उस अवसर को पहचान करके अपनी जिंदगी को अच्छा बना सकता है। वहीं यदि किसी की कुंडली में दुर्योग ज़्यादा है तो उसकी स्थिति संघर्ष की ज़्यादा होगी और ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को सट्टे से, जुए से या अनएक्सपेक्टेड जो हैपनिंग्स होती है उससे बचने की सलाह देनी पड़ेगी या बचने की कोशिश करेगा। यदि आपके पास में आपकी कुंडली है, राजयोग की कुंडली है, तो उसमें वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुंडली, अंक ज्योतिष के अनुसार कुंडली, लाल किताब के अनुसार कुंडली, ये तीनों ही कुंडलियाँ होंगी और इन सभी के उपाय भी होंगे और साथ ही साथ राजयोग की कुंडली होगी कि आपकी कुंडली में कितने योग हैं और वो कुंडली में जो योग है कितना परसेंट असर करेंगे, और उसके साथ में होगी एक लिस्ट और साथ में होगा विश्लेषण कि आपकी कुंडली में कितने राजयोग हैं, कितने शुभ योग हैं, कितने अशुभ योग हैं और कितने सम योग हैं। ऐसी स्थिति में राजयोग की कुंडली बनाने से बहुत ज़्यादा आपको मदद मिल सकती है जीवन को अपनाने में या जीवन को आगे बढ़ाने में। आइए अब आरंभ करते हैं आज का राशिफल 20 अक्टूबर 2020 का, और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लिए राशि से 8th हाउस में चंद्रमा विद्यमान है, ये चंद्रमा शुभ फल तो नहीं देता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार साधक तारा का 7 और अष्टक वक्र में 27 डॉट, ये कॉम्बिनेशन मिला करके 67% आपका बचाव करेगा। 33% फिर भी आपको दुख या नेगेटिविटी, स्ट्रेस फेस करना ही पड़ेगा। ऐसी स्थिति में आज के दिन आपका अपने घर वालों से या जीवन साथी से, ससुराल वालों से या पारिवारिक कलह या क्लेश का सामना करना पड़ सकता है या बात का बतंगड़ बन सकता है। ऐसी स्थिति से आप बच सकते हैं, सिर्फ आपको ध्यान देना है कि कौन सी चीज़ के लिए आपको खींचातानी हो रही है या जानबूझ करके आपको उकसाया जा रहा है नेगेटिव बात बोलने के लिए। आपकी लापरवाही से, बहुत तेज गति से चलने से या ध्यान नहीं देने से आपको कहीं न कहीं शारीरिक कष्ट हो सकता है। वो शारीरिक कष्ट चाहे बीमारी से हो और या कोई भी आप छोटी मोटी चोट लग जाने से हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि बहुत गंभीर चोट लगने वाली है। सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान देना है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि राशि से 8वां चंद्रमा कोई न कोई आकस्मिक अनहोनी से या विपत्ति से सामना कराता है। आज के दिन कानूनी मामलों से ध्यान रखना चाहिए, बचना चाहिए, और यदि कोई कोर्ट की अगर डेट भी है तो भी सावधानी के साथ में, सेफ्टी के साथ में उसमें अपेयर हों, लेकिन अपनी सेफ्टी का ज़्यादा ध्यान रखना जरूरी है, ये अपने दिमाग में कहीं न कहीं बिठा लीजिएगा।
हेल्थ के मामले में आज आपको पेट या पाइल से संबंधित परेशानियां हो सकती है, उससे संबंधित बचाव का साधन आपको ढूंढना चाहिए। आज का लकी कलर है इवोनी कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 4। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। आपकी राशि से 7th हाउस में चंद्रमा विद्यमान है। यह चंद्रमा अच्छा फल देता है, शुभ फल देता है, लेकिन नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार विपत तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 ये कॉम्बिनेशन मिला करके इस चंद्रमा को 67 पॉजिटिव करता है और 33% फिर भी मायूसी हाथ लगती है। ऐसी स्थिति में जो लोग व्यापारी हैं, जो लोग साझेदारी में व्यापार करते हैं, या आज के दिन जो भी व्यापारिक लेन देन है उनमें आपको जरूर गेन मिलने वाला है। जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं या फ्यूचर ट्रेडिंग से संबंधित काम करते हैं, उन लोगों को आज बहुत अच्छा गेन होगा या रिसोर्स से डेवलप होंगे। और जो लोग ऑलरेडी साइड इनकम के लिए कोई न कोई एफर्ट करते रहते हैं उनको भी साइड इनकम जरूर होने वाली है, चाहे वो जॉब वर्क से, चाहे वो ओवर टाइम से, और चाहे वो और किसी ढंग से, चाहे वो कमीशन एंड ब्रोकर से। लेकिन यहाँ पर रिसोर्सेज आपको गेन देंगे, साथ ही साथ आज के दिन आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे और बहुत ज़्यादा खुश भी होंगे, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, अवसर भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छे मिल रहे हैं और उससे आपको गेन भी लगातार मिल रहा है। कोई न कोई ऐसे व्यक्ति से मुलाकात जरूर होने वाली है जिसको आप इंटेलिजेंट मानते हैं, जिसको आप बहुत ज़्यादा होशियार मानते हैं, वो आपको बहुत सी टिप्स या बहुत सा ज्ञान दे करके आज जा सकते हैं। आज के दिन आपके एफर्ट से आपकी रेपुटेशन या आपका नाम, आपका वर्चस्व बढ़ सकता है। सम्मान और पद प्रतिष्ठा का योग आज बहुत ज़्यादा अच्छा है। जो लोग सरकारी लेन देन में हैं या सरकारी कार्यों से संबंधित कोई इनको काम करते हैं, गवर्नमेंट सप्लाई से संबंधित काम करते हैं या गवर्नमेंट एजेंसीज में काम करते हैं, गवर्नमेंट एड वाले जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें काम करते हैं, उन लोगों को आज बहुत ही सुखद एहसास होगा। बहुत अच्छे ढंग से उनका कामकाज होने वाला है। जो काम अधूरे थे वो भी काम पूरा होने की आज स्थिति आएगी। राशि से 7th चंद्रमा आपको पूर्ण सांसारिक सुख और पूर्ण गृह सुख देगा। आज का लकी कलर है एप्रिकोट कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 6। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। आपकी राशि से 6th हाउस में रोग भाव में चंद्रमा विराजमान है। ये बहुत ज़्यादा शुभ चंद्रमा है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 ये कॉम्बिनेशन 100% इस चंद्रमा को पॉजिटिव बना रहा है। ऐसी स्थिति में आज के दिन कोई भी यात्रा करेंगे, चाहे वो पर्सनल लेवल पर हो या बिजनेस की यात्रा हो, वो यात्रा सुविधापूर्ण भी होगी और साथ ही साथ यात्रा का एम भी पूरा होगा। जो भी एफर्ट करेंगे, जो भी आज मेहनत करेंगे, उससे आपको उन्नति मिलेगी और साथ ही साथ जो लोग फाइनेंशियल गेन के लिए एफर्ट करेंगे उनको वो फाइनेंशियल गेन मिलेगा। आज के दिन आपका भाग्य का 7, आपकी रेपुटेशन में इम्प्रूवमेंट, आपकी गुडविल बढ़ेगी और साथ ही साथ स्टेटस में इम्प्रूवमेंट आएगा। आय और धन संपत्ति के लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा बेटर है। रोग मुक्ति या ये बोल सकते हैं रोगों से आज बचाव भी होगा और रोग आपको कोई परेशान नहीं कर पाएंगे और ना ही कोई विरोधी, कोई शत्रु या आपसे द्वेष भाव रखने वाले आपको कोई अड़ंगा लगा पाएंगे। आप स्मूथली अपना काम करते रहेंगे। आज के दिन खुशहाल पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य सुख और उसके साथ ही साथ जो यंगस्टर्स हैं उनको अपने दोस्तों के साथ में अच्छा समय, क्वालिटी टाइम स्पेंड होगा और साथ ही साथ दोस्तों के साथ में खुशी और आनंद के पल व्यतीत करेंगे। आज का लकी कलर है ब्राउन कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 9। आइए अब बात करें कर्क राशि की। आपकी राशि से 5th हाउस में शिक्षा और संतान भाव में चंद्रमा मौजूद है। ये प्राय मिक्स रिजल्ट ही देते हैं, लेकिन नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार प्रत्यारी तारा का 7 मिल रहा है जो कि शुभ नहीं है। अष्टक वर्ग में 30 है वो जरूर आपको सपोर्ट करेंगे। ऐसी स्थिति में 67% ये चंद्रमा नेगेटिव साइड में है और 33% आपको सपोर्ट मिलेगा। ऐसी स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। अपने संतान के साथ में कोई भी विषय पर बात करें, वो विषय आप सोच समझ लीजिए पहले, उसके बाद में आप उनसे बात कीजिए, क्योंकि कोई भी विषय पर गलत सलाह देने की कोशिश करेंगे आज के बच्चे मानेंगे नहीं, उल्टा आपको सिखाने बैठ जाएंगे। वो आपको ध्यान रखना है कि व्यर्थ की बातों के साथ में उनसे डिस्कस नहीं करना है और ऐसी चीज़ों से या आज के दिन अपने कामकाज में आए हुए डिस्टर्बेंस से, आए हुए व्यवधान से आप खुद भी अशांत हो सकते हैं और आप पर चिंताएं हावी हो सकती है। जहां तक फाइनेंशियल गेन का सवाल है, आज के दिन जितने भी एफर्ट करेंगे संतुष्टि नहीं मिलेगी। हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लॉस ही होगा, फाइनेंशियल गेन भी हो सकता है, फाइनेंशियल गेन भी होगा लेकिन संतुष्टि नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, इन्वेस्टमेंट करने से बचना है, क्योंकि राशि से 5वां चंद्रमा जब भी होता है व्यक्ति को स्पेकुलेशन में, सट्टे में, जुए में, फ्यूचर ट्रेडिंग में या
कोई भी ढंग से इन्वेस्टमेंट करे, चाहे वो लॉटरी का टिकट ही खरीदेगा, वो पैसा वेस्ट ही जाएगा, अर्थात उस इन्वेस्टमेंट का फायदा तो नहीं मिलेगा। जो लोग यंगस्टर्स हैं, जो लोग युवा हैं, उनको अपने फ्रेंड सर्कल पर आज बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करना है। कोई न कोई जानबूझ करके आपको साजिश में फंसा सकता है। और जो लोग कोई न कोई रिलेशनशिप में है या प्रेम प्रसंगों में है, उनको तो और ज़्यादा सावधान रहना है। जानबूझ करके आपको मोहजाल में फंसाया जा सकता है, बुरी आसक्ति की ओर आप अट्रैक्ट हो सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आज के दिन जहाँ तक संभव हो यात्रा करने से बचना है, और आज के दिन व्यर्थ आपका खर्च हो सकता है, और वो खर्च संतान पर हो या अपने फ्रेंड सर्कल पर हो, लेकिन खर्च बहुत ज़्यादा होगा उससे आप कंट्रोल कर सकते हैं, या आपके हाथ में है। आज का लकी कलर है पीच कलर, और आज का लकी नंबर है नंबर 1। आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपकी राशि से फोर्थ हाउस में सुख भाव में चंद्रमा विराजमान है, ये चंद्रमा शुभ रिजल्ट नहीं देता है, लेकिन नक्षत्र तारा के अनुसार सेम तारा अर्थात कल्याणकारी तारा का 7 और अष्टक वक्र में 35 डॉट, ये कॉम्बिनेशन मिला करके आपको काफ़ी कुछ बचा ले जाएगा 67% तक, लेकिन 33% फिर भी आपको भोगना ही पड़ेगा, कोई न कोई स्ट्रेस, कोई न कोई तनाव या अपने घर वालों की चिंता। तो आज के दिन आपको पारिवारिक कलह से संबंधित या अपने घर के ही लोगों का विरोध, बहुत छोटी सी बात पर कोई हंगामा खड़ा हो जाए जिसको आराम से टाला जा सकता है, लेकिन हर कोई अपना ईगो सेटिस्फेक्शन करने के लिए एक दूसरे पर आरोप लगाना स्टार्ट कर देते हैं, वो स्थिति आज आपको देखनी पड़ सकती है। मन आज आपका अशांत रहेगा, और कहीं न कहीं आपके अंदर उच्चाटन की स्थिति आ जाएगी कि ये रोज़ रोज की चिकचिक है, इससे अच्छा घर बदल लेते हैं या कहीं अलग रहना स्टार्ट कर लेते हैं, ये विचार आपके दिमाग में जरूर आज कौन देगा। जो घर के बुजुर्ग हैं या जो बाहर समाज के बड़े लोग हैं, उनसे भी आज किसी बात पर आनाकानी हो सकती है या उनकी बात आपको पसंद नहीं आएगी। जहां तक संभव हो आज कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, प्रेम प्रसंगों में, उनके लिए आज का दिन शुभ नहीं है। जहां तक संभव हो उनको मेल मिलाप से आज बचना चाहिए, क्योंकि आज के दिन सिर्फ और सिर्फ संदेह के बीज ही बोने लगेंगे, अर्थात आप एक दूसरे पर सिर्फ संदेह ही करेंगे। हेल्थ के मामले में आज का दिन शुभ नहीं है। वहीं आज के दिन आपका कोई सामान गुम हो सकता है या कोई सामान चोरी भी हो सकता है, ऐसी स्थिति में आपको ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा। आज का लकी कलर है नेवी ब्लू कलर, और आज का लकी नंबर है नंबर 8। आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी राशि से थर्ड हाउस में पराक्रम भाव में चंद्रमा विराजमान है, जो बहुत ज़्यादा शुभ रिजल्ट देता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार जन्म तारा का 7 और अष्टक वक्र में 28 डॉट, ये कॉम्बिनेशन मिला करके इस चंद्रमा को 100% पॉजिटिव बना देता है। ऐसी स्थिति में आज के दिन अच्छी शॉपिंग हो सकती है, आपके घर वालों को या आपके जीवन साथी को आप ऑर्नामेंट्स दे सकते हैं। फाइनेंशियली गेन के साथ साथ मान सम्मान और धन और संपत्ति, इन सभी मामलों में आज का दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, शुभ है। आप कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट आज करने वाले हैं। शत्रुओं पर या अपने कामकाज में आए व्यवधानों पर आप आसानी से कंट्रोल पा लेंगे या आसानी से उनको टैकल कर लेंगे। आज का दिन धैर्य का है, आज का दिन आत्मविश्वास का है, आज का दिन पराक्रम के सुख का है, और आपकी जान पहचान में वृद्धि का है। सब मामलों में आज आपको बहुत अच्छे ढंग से इम्प्रूवमेंट मिलेगी, उससे बहुत ज़्यादा सुख और बहुत ज़्यादा खुशी प्रसन्नता होगी। भावुकता से या भावुकतावश आज संतान के साथ में विशेष लगाव और खुशी महसूस होगी, और वहीं अपने घर वालों के साथ में आपको आनंद आएगा, अपनत्व वाली स्थिति आएगी। जो लोग यंगस्टर्स हैं, जो लोग युवा हैं, वो अपने फ्रेंडशिप या नए नए फ्रेंड्स बनाने की ओर व्यस्त रहेंगे, और बहुत सारे फ्रेंड्स जो हायर स्टडीज़ में हैं, वो कहीं न कहीं फ्रेंड्स के साथ में मिल करके अपने डाउट्स को दूर करने का प्रयास करेंगे। आज का लकी कलर है गोल्डन कलर, और आज का लकी नंबर है नंबर 3। आइए अब बात करें तुला राशि की। आपकी राशि से सेकंड हाउस में धन और संपत्ति भाव में चंद्रमा विराजमान है, ये चंद्रमा प्राय मिक्स रिजल्ट ही देता है, लेकिन आज के दिन नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार विपत्ति तारा का 7 और अष्टक वक्र में 30 डॉट, ये कॉम्बिनेशन मिला करके आपको 50% पॉजिटिव और 50% वीक पोजिशन या 50% मायूसी दे सकता है। ऐसी स्थिति में आपको आज हर मामलों में बहुत ज़्यादा सावधान, बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की स्थिति है। जिन लोगों ने कोई नया स्टार्टअप स्टार्ट किया है, नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है, उन लोगों को आज कुछ न कुछ संघर्ष या व्यवधान का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली आपको कुछ न कुछ गेन मिलेगा। आज कामकाज तो होगा, संतुष्टि शायद आपको नहीं मिले। आज के दिन बहुत ज़्यादा व्यस्तता रहने से थकान हो सकती है, लेकिन अनचाहे खर्च भी आज बहुत ज़्यादा होंगे, और कहीं न कहीं आपके अंदर असंतोष व्याप्त हो जाएगा,
क्योंकि बहुत ज़्यादा जो आपने एक्सपेक्टेशन किया था उतना ज़्यादा काम नहीं होगा, काम तो होगा लेकिन आपको रिजल्ट से संतुष्टि नहीं मिल पाएगी और ये सिचुएशन आपको कहीं ना कहीं चिंता में और कहीं ना कहीं आपको फालतू चीज़ों में डिप्रेसिव थॉट में ले जा सकती है। लेकिन डिप्रेशन करने से होगा क्या? और आज जो चन्मा है वो चन्मा तो रात को 2:11 पर बदल जाएगा, तो कल की तारीख में तो आपके लिए स्थिति बहुत ज़्यादा बेटर है। जो आज मायूसी है वो कल नहीं होने वाली है, ये मैं आपको अभी से बता सकता हूँ। ऐसी स्थिति में आपको अपना एनर्जी लेवल बना करके रखना है, अपने अंदर से हौसला टूटने नहीं देना है और आज नहीं तो कल आप सक्सेस होने वाले हैं, इसमें तो कोई बात आनाकानी या दो राय है ही नहीं। आपको अपने बच्चों से संबंधित या जीवन साथी से संबंधित, अपने पेरेंट्स से संबंधित, कोई न कोई बीमारी से संबंधित चिंता जरूर होने वाली है, उससे आप मेंटली प्रिपेयर रहिए, उससे समय से पहले ही अपने आप को तैयार कर लीजिए। राशि से सेकंड चन्मा व्यक्ति को लालच की ओर या पाप प्रवृत्ति की ओर धकेलता है, तो कोई भी गलत काम करके आप पैसा कमाने की सोच रहे हैं वो गलत विचार है, अल्टीमेटली उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है, उससे आपको बचने की सलाह दे रहा हूँ। राशि से सेकंड हाउस का चन्मा कहीं ना कहीं महिला से अपमान भी करवा सकता है और या फिर जो स्टूडेंट्स हैं उनको कोई ना कोई स्थिति नेगेटिव हो सकती है, चाहे वो फ्रेंड सर्कल से वाद विवाद हो या फिर एग्जाम में ऑनलाइन क्लास में किसी बात पर आपको डांट दिया जाए। आज का लकी कलर है लेवेंडर कलर और आज का लकी नंबर है 1। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से फर्स्ट हाउस में ही, आपकी राशि भाव में ही चन्मा विराजमान है, ये बहुत ज़्यादा शुभ स्थिति मानी जाती है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट, ये कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है, 100% इस चन्मा को पॉजिटिव बना रहा है। फाइनेंशियल गेन या इनकम में वृद्धि या कोई भी कामकाज करें, आज आपको इनकम तो जरूर होने वाली है, अतः ये दिन ही आय का दिन है, इनकम का दिन है। भाग्य का 7, बहुत अच्छे संयोग या बहुत अच्छे लोगों से मिलना और फिर उनसे काम होना, आपकी जानकारी में वृद्धि, नॉलेज में वृद्धि या कोई इनको टिप्स मिलने से भी आप उस टिप्स से भी गेन कमा लेंगे। और जो लोग मार्केटिंग के क्षेत्र में, इंश्योरेंस के क्षेत्र में, जिनको जनता से सीधी अप्रोच करनी है, उन लोगों को आज जन व्यवहार में सफलता मिलेगी। और साथ ही साथ वो लोग भी जो राजनीति के क्षेत्र में, समाज कल्याण के क्षेत्र में, उन लोगों के लिए भी समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। संपत्ति का सुख या वाहन का सुख आज आपको मिल सकता है, हो सकता है नवरात्रि के समय काल में आप कोई वाहन खरीदने के बारे में सोच रहे थे और वो लोन की जो आपकी एप्लीकेशन थी वो पास हो जाने से आज के दिन आप वो वाहन खरीद पाएंगे और उसका सुख आज से स्टार्ट हो जाएगा। या फिर आज के दिन कोई ना कोई गिफ्ट आपको मिलना है, हो सकता है सरप्राइज ही हो जाए, आपके पेरेंट्स ही आपके लिए कोई व्हीकल खरीद करके आपके घर के दरवाजे पर छोड़ दें और फिर कोई ना कोई सुबह सुबह घंटी बजाए, क्या आपके लिए क्या अभी मोटरसाइकिल खरीदी हुई है या कोई स्कूटर पड़ा है जिस पर आपका नाम लिखा हुआ है, या आपका है या किसी और का है, तो वो स्थिति आपके लिए सरप्राइज हो सकती है। रोगों से राहत मिलेगी, साथ ही साथ जहाँ पर भी आज जाएंगे, कोई भी ऑफिस में जाएंगे, आज आपका आदर सत्कार होगा, अर्थात आपकी स्थिति या आपकी वैल्यू निरंतर बढ़ेगी। सांसारिक सुख सुविधाएं, दाम्पत्य सुख और बहुत अच्छी नींद आज आपके हिस्से में है। आज का लकी कलर है येलो और आज का लकी नंबर है 5। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी राशि से 12th हाउस में, एक्सपेंसेस हाउस में चन्मा विराजमान है, ये चन्मा शुभ रिजल्ट नहीं देता है, लेकिन नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 लॉट, ये कॉम्बिनेशन मिला करके 67% आपका बचाव करेगा, 33% फिर भी आपको नेगेटिविटी भोगनी पड़ेगी। ऐसी स्थिति में जबकि चन्मा राशि से 8th हाउस का लॉर्ड है और वो 12th हाउस में एक मारक भाव का अधिपति दूसरे मारक भाव में है और ये चन्मा केतु के साथ में है, ऐसी स्थिति में मानसिक परेशानी, बहुत ज़्यादा खर्च और साथ ही साथ अपनी घर की कन्याओं या महिलाओं पर ज़्यादा खर्च हो सकता है। जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो इन्वेस्टमेंट आज के दिन फलीभूत नहीं होंगे, उसके अंदर से गेन निकल करके नहीं आएगा। संबंधियों से, परिवार वालों से, अपने घर वालों से या संतान से ही कोई न कोई बात पर मतभेद उभर सकता है, कोई न कोई बात पर आप उन्हें डांट सकते हैं और फिर उनकी नाराजगी आपको देखनी पड़ेगी। आपके अंदर आज गुस्सा, ईर्ष्या या ये बोल सकते हैं हर काम से एक इंटरेस्ट फ्री होना कि आपको कोई चीज़ पसंद ही नहीं आएगी, ना खाना पसंद आएगा, ना पीना पसंद आएगा, ना लोगों से बात करना पसंद आएगा, वो स्थिति आज आपकी हो जाएगी। और वहीं बहुत से लोगों को आज आलस्य बहुत परेशान करेगा, कोई काम करने की इच्छा नहीं होना, ये स्थिति आज आपके सामने आएगी। जो वृद्ध हैं
उन लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। और जो अस्थमा के मरीज हैं वो आज बहुत ज़्यादा सावधान रहें, अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करें और जो भी दवाई होती है वो दवाई साथ में लेकर के घूमें, जिसको जीवन रक्षक औषधि कहा जाता है। यदि आज के दिन कोई ट्रैवल प्लान है तो वो ट्रैवल प्लान सक्सेसफुल नहीं रहेंगे, आप मायूसी होंगे कहीं पर भी जाकर के। आज का लकी कलर है सैंड कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 1। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी राशि से 11th हाउस में गेन भाव में चंद्रमा विराजमान है, बहुत ज़्यादा शानदार स्थिति है। और नक्षत्र तारा सिद्धांत से भी अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक में 31 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 100 में से 100% इस चंद्रमा को पॉजिटिव बना रहा है। ऐसी सिचुएशन में व्यापार में उन्नति, आपके कामकाज में प्रोग्रेस, आपका मन में उत्साह होना या ज़्यादा काम करने की एक प्रकार से इच्छा होना, या जो भी काम के बैकलॉग हैं, जो भी काम पेंडिंग पड़े हैं उन्हें एक प्रकार से पूरा करने की जो आपके अंदर इच्छा शक्ति है वो आज आपको बहुत ज़्यादा कमाल का गेन दिलाएगी। लगभग सारे प्रयास सफल होंगे। और जिन लोगों को न्यायिक मामलों में कोर्ट कचहरी से संबंधित, जुडिशरी मैटर से संबंधित कोई काम है, वो भी कामकाज होने के पूरे योग हैं। आज ना तो आपको शत्रु परेशान कर पाएंगे, ना रोग परेशान कर पाएंगे। और उसके सामने फाइनेंशियल गेन या मनी कलेक्शन, जिन लोगों से पैसा बाकी है वहाँ पर पहुँच जाइए, आपको वो पैसा मिलने के योग हैं। चाहे पूरा पैसा नहीं मिल पाए, आधा ही मिल पाए, लेकिन पैसा तो मिलेगा। जो लोग आज यात्रा पर हैं या जो लोग यात्रा पर जाना चाहते हैं उनके लिए आज बहुत अच्छी स्थिति है। साथ ही आज मित्रों से परिवारजनों से मेल मुलाकात हो सकती है, वो स्थिति भी अच्छी है। और जो लोग युवा हैं, जो लोग स्टूडेंट्स हैं, उनको अपने फ्रेंड के साथ में मौज मस्ती करने का या फिर फ्रेंड के साथ में खेल कूदने का अच्छा टाइम स्पेंड होगा, या आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा आज बढ़ जाएगी। आज का लकी कलर है क्रीम कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 1। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आपकी राशि से 10th हाउस में, आपकी राशि से कर्म भाव में, प्रोफेशन भाव में चंद्रमा विराजमान है, बहुत ज़्यादा शुभ स्थिति मानी जाती है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक में 19 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 100% इस चंद्रमा को पॉजिटिव बना रहा है। ऐसी सिचुएशन में आज के दिन जो भी जनता के साथ में जो भी अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते हैं, जनता के बीच में जाना चाहते हैं, तो सफल लोक संबंध का आज समय काल है। चाहे आप कोई भी सेक्टर से संबंध रखते हों, व्यापारिक मामलों में, व्यापारिक कामकाज में आज के दिन सफलता मिलेगी। और जिन लोगों ने नया नया व्यवसाय आरंभ किया है उन लोगों को आज कमाल की सक्सेस मिलने वाली है। आज सक्सेस से, कामकाज से, व्यस्तता से आपका कॉन्फिडेंस भी और आपकी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी, इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा डेवलप होगा। कोई भी कामकाज करने में आपका उत्साह, आपकी एनर्जी आज बहुत शानदार रहेगी। नई नई योजनाएं बन सकती है और नई नई योजनाओं के लिए लोग आपको सलाह दे सकते हैं। बहुत समय से कोई आपके दिमाग में कोई चीज़ थी, ये मुझे खरीदनी है या ये तो मुझे चाहिए, वो आज आपकी चाहना, वो आज आपकी चाह पूरी हो सकती है, पूरी होने वाली है। सुख और इष्ट सिद्धि का आज समय काल है। अतः जो लोग भी इष्ट सिद्धि में, जो लोग भी पूजा पाठ में, मांगलिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में इन्वॉल्व होंगे, उनको अच्छा एहसास होगा, सुखद अनुभूति होगी। आज का लकी कलर है लेवेंडर कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 3। आइए अब बात करें मीन राशि की। आपकी राशि से 9th हाउस में भाग्य भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा एक त्रिकोण का अधिपति होकर के दूसरे त्रिकोण में, अर्थात शिक्षा और संतान भाव का अधिपति चंद्रमा भाग्य भाव में स्थित है। यह आपको शुभ संयोग भी देगा और साथ साथ पॉजिटिव स्ट्रेंथ भी देगा। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार मित्र तारा का 7, अष्टक में 30 डॉट, ये कॉम्बिनेशन मिला करके 75% इस चंद्रमा को पॉजिटिव बना रहा है। 25% फिर भी आपको ज़्यादा मेहनत करके इसको 100% बनाना पड़ेगा। आज के दिन रोगों से राहत, संतान के साथ में घर के किसी बात पर वैचारिक विमर्श या कोई न कोई बात पर आप उनसे सलाह ले सकते हैं और वो भी उस मामले में बहुत अच्छी आपको सलाह दे सकते हैं। व्यवसाय में यदि कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना है तो जरूर आज आपको टालना चाहिए, क्योंकि कल आपके लिए बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छा समय है और आगे 4 दिन तक कंटिन्यू बेटर है। ऐसी स्थिति में कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से गेन पाना चाहते हैं, तो भी आपको कल 21 तारीख से लगा करके 25 तारीख तक समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसका आप फायदा उठा सकते हैं। अनचाहे खर्च आज आपको धार्मिक क्रियाओं में, आस्था में जरूर खर्च हो सकते हैं या दान धर्म में पैसा खर्च हो सकता है। सरकारी अधिकारियों से यदि कोई काम है तो थोड़ा सा सोच विचार करके उस काम को कर सकते हैं या आज उस काम को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन कल काम होने की उम्मीद आपकी बहुत ज़्यादा बेटर है। जो लोग वृद्ध हैं उन्हें आज
प्रेशर या बेचैनी या अनकंफर्टेबल स्थिति लग सकती है, और जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनको आज खास सावधानी रखनी चाहिए और अपनी दवाइयों को समय पर लेना याद रखना चाहिए। आज का लकी कलर है ऑरेंज कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 7। आइए अब बात करें आज के विशेष उपाय की कि नवरात्रि में क्या खरीदें। सभी लोग नवरात्रि के 9 दिनों में जमकर खरीदी करते हैं, शॉपिंग करते हैं। आइए जानते हैं कि नवरात्रि में क्या खरीदने से कौन सी कामना पूरी हो सकती है। यदि आप आरोग्य पाना चाहते हैं, स्वास्थ्य पाना चाहते हैं, तो नवरात्रि के प्रथम दिन से लेकर के अंतिम दिन तक कभी भी गाय का घी ला करके रखें, अर्थात गाय का घी खरीदना है और घर में ला करके रखना है और उसे यूज करना है। यदि आप अपना घर चाहते हैं तो मिट्टी का छोटा सा घर ला करके आपको इस नवरात्रि में पूजा स्थल में रखना चाहिए, और साथ ही साथ देवी के साथ में ही आपको उसकी भी सामान्य पूजा जैसे करते हैं वो पूजा करनी चाहिए और कामना करनी चाहिए कि देवी के आशीर्वाद से आपका भी घर का सपना पूरा हो। अगर आप विदेश यात्रा चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो इन 9 दिनों में कभी भी पताका, जिसे ध्वजा या परचम भी कहते हैं, घर में ही बना करके या फिर कहीं दुकान से खरीद करके उसकी पूजा करें, और नवमी के दिन कोई भी देवी मंदिर में, दुर्गा मंदिर में जा करके अर्पित करें, और फिर मंदिर के ऊपर उस झंडे को इस प्रकार से लगाना है कि वह फहराता रहे। आर्थिक कष्टों से मुक्ति के लिए चांदी की कोई भी शुभ सामग्री ला करके देवी को समर्पित करनी है। जो लोग नौकरी में उन्नति चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, उनको 3 नारियल ला करके पहले से घर में रखने और नवमी के दिन उन नारियलों को, अर्थात तीनों नारियलों को मंदिर में चढ़ाना है। चाहे एक ही मंदिर में चढ़ाएं या अलग अलग मंदिर में चढ़ा सकते हैं, लेकिन मंदिर दुर्गा के ही होने चाहिए। यदि आप अपने अंदर आकर्षण बढ़ाना चाहते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी चाहते हैं, तो आपको धूप, सुगंध, अगरबत्ती, रुई या चमकीली सफ़ेद वस्तु इस समय काल में खरीद करके घर में यूज़ करनी चाहिए या इस समय खरीद करके घर में लानी चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में मौली, जिसे आप सामान्य तौर पर नन्हाड़ा छड़ी या कलावा भी बोलते हैं, वो खरीद करके उस पर 9 गांठ लगाना है और उसे देवी को समर्पित करना है और उसे सदा अपने पास में रखना है। उससे हर कार्य में सफलता मिलती है, चाहे तो आप हाथ में बांध भी सकते हैं। अपने सौभाग्य में वृद्धि के लिए, सुहाग की रक्षा के लिए समस्त सुहाग श्रृंगार सामग्री खरीदें और नवमी के दिन वो सामग्री माँ को अर्पित करें, उनके सामने चढ़ाएं, और फिर वही सामग्री कोई भी कन्या को या सुगन स्त्री को अर्पित करें या उसे भेंट करें। ये है छोटे-छोटे से उपाय जो आप इस नवरात्रि के दिनों में कर सकते हैं और उससे आपकी कामना भी पूरी हो सकती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमेशा की तरह मैं कहना चाहता हूं कि यदि एपिसोड अच्छा लगता है तो उसे शेयर करें, लाइक करें, और हाँ, जो आप चाहते हैं, जिस बारे में आप जानकारी चाहते हैं, आपकी जिज्ञासा है, वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाएं, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उससे आपको हर दिन जो भी नया एपिसोड आएगा वो आपको सबसे पहले दिखाई देगा। आज इस एपिसोड में बस इतना ही। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, माँ भवानी आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।